हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय देम। यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम जो बीते चार से पांच दिनों में या उससे पहले आईपीएल की भी अगर बात कर ले आप तो वहां से लेकर अब तक लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और अब जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट डेब्यू पर सेंचुरी मार दी तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया को एक शानदार ओपनर मिल गया है, खास तौर पर लेफ्ट हैंडर जिसको टीम इंडिया की लंबे समय से तलाश थी। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिटिक्स हैं जो यशस्वी जायसवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल ने जिस वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी मारी है उसको यशस्वी जायसवाल क्या कोई भी मार देगा। मतलब उनका साफ तौर पर मानना है कि यशस्वी जायसवाल ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो खास तौर पर होने वाला है कि मैं यशस्वी जायसवाल की जो सारी उपलब्धियां हैं यहां से शुरू नहीं हुई थी वो एक एक करके आपको बताऊंगा। तो उससे पहले बस इतनी विनती है भाई आप लोगों से कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले। हम आपके लिए लगातार वीडियोस ला रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब एक लाइक, बस इतनी सी विनती है आप लोगों से। तो अब बात करते हैं कि यशस्वी जायसवाल का ये जो शतक है ये सिर्फ एक तुक्का नहीं है और उन्होंने अपने बैट से बड़ा जवाब दिया है, ना सिर्फ आज लंबे समय से, बात है आज से आठ साल पहले की जब वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल के थे। जब यशस्वी 14 साल के थे तो वहां पर उनका जो सिलेक्शन था वो अंडर 19 की मुंबई टीम में हो गया था, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं आप ये शुरुआत से कितना टैलेंटेड खिलाड़ी था। 19 साल की एज वाले ग्रुप में आप 14 साल से ही पहुंच जाएं वो दिखाता है आपकी क्षमता को, आपके टैलेंट को कि किस तरह के बल्लेबाज हैं आप, एक नंबर हो गया। अब इसके बाद जब उनका अंडर 19 में हो जाता है तो वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं मुंबई की अंडर 19 टीम के लिए और उसके बाद आप देखते हैं कि इंडिया की अंडर 19 टीम में उनका सिलेक्शन होता है और इंडिया की अंडर 19 टीम में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। दो मैचेस मिलते हैं, एक मैच में 15 रन, एक मैच में 1 रन और टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद जो एशिया कप होता है अंडर 19 लेवल पे वहां पर भी इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, वहां पर भी इनकी जगह नहीं बनती है। उसके बाद ये मुंबई की जो नेशनल टीम होती है मुंबई की टीम में आते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं और वहां से छा जाते हैं, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। वहां पर जाते हैं डेब्यू में सेंचुरी लगाते हैं और उसके आगे का जो पूरा सीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर एक 22 रन की इनिंग आती है, एक 60 नॉट आउट आता है, एक और सेंचुरी आती है। तो इस तरह से जबरदस्त सीजन उनका जाता है, 6 मैचेस खेलते हैं, 500 से ज्यादा रन बनाते हैं और करीब करीब 60 से ऊपर का एवरेज रहता है और दिखाते हैं कि वो यहाँ पर राज करने आए हैं। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हैं और एक खास स्टैट्स बताऊं मैं आपको कि यशस्वी जायसवाल जब इंडिया खेले नहीं हुए थे उससे पहले ही डोमेस्टिक लेवल पर 49 सेंचुरीज लगा चुके थे, 49 सेंचुरीज यशस्वी जायसवाल टोटल लगा चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में पूरा मिलाकर। और इसके बाद अगर उनके फर्स्ट क्लास के आंकड़ों की बात करें तो 1800 से ज्यादा रन है और वहां पर 80 से ऊपर की एवरेज है, वहां पर 250 लगाया हुआ है, सेंचुरीज लगाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है। और फिर जब इनका करियर फिर वहां विजय हजारे से आगे बढ़ता है तो इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में आते हैं और वहां पर भी आते ही छा जाते हैं। वहां पर यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें तो वहां पर कुल ये 5 मैचेस खेलते हैं, 6 मैचेस खेलते हैं, यहाँ पर 4 सेंचुरीज और एक हाफ सेंचुरीज के साथ 400 से ऊपर रन बनाते हैं और दिखाते हैं कि कितना खास टैलेंट है और किस तरह का ये लड़का। फिर अंडर 19 निकल कर आते हैं रणजी में, जिस तरह से 200 बनाते हैं, लगातार रन बनाते हैं और फिर लिस्ट ए क्रिकेट में भी जबरदस्त पारियां खेलते हैं और सबसे कम उम्र वाले प्लेयर बनते हैं जो कि विजय हजारे यानी लिस्ट ए क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने का वो काम करता है, 17 साल की उम्र में डबल सेंचुरी बना देते हैं वहां पर यशस्वी जायसवाल। और इसके बाद फिर आप देखते हैं उनको आईपीएल में उनका सिलेक्शन होता है, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से पहला सीजन अच्छा नहीं जाता है लेकिन वहां पर कोच और राजस्थान का जो भी सपोर्ट स्टाफ रहता है वो इनकी चमक को परख लेते हैं, वो लगातार इन पे काम करते हैं। और उसके 2 साल बाद आप देखेंगे यशस्वी जायसवाल का ये जो सीजन गया 2023 का, यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर बनकर उभरे हैं और किस तरह से शानदार अपनी लय दिखाई है, बैटिंग दिखाई है, अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने दिखाया है। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं इस 2023 के वेस्ट इंडीज दौरे पर किस प्रकार से अपना यशस्वी छाया है और कहां तक आया है। तो अब आप मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप डिसाइड करिए क्या यशस्वी का ये जो शतक है या सेंचुरी है यह सिर्फ एक तुक्का है या फिर ये एक बड़ा स्टेटमेंट है यशस्वी जायसवाल की ओर से कि वो यहाँ पर
रूल करने आए हैं, वो यहाँ पर राज करने आए हैं, इस तरह के बड़ी इनिंग्स खेलते रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का नहीं है, ये कहा है यशस्वी जायसवाल ने। आप बताइए आपको क्या लगता है। मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल अभी तक जितना भी दिखे सॉलिड दिखे, मुझे लगता है कि लंबी रेस के घोड़े हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है।